वेलकम बैक एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हैं हम लोग डिज्नी के एपकॉट पार्क में, ओरलैंडो फ्लोरिडा। डिज्नी के टोटल 4 मेन पार्क्स हैं, तो मैजिक किंगडम, एनिमल किंगडम, हॉलीवुड स्टूडियोज, एपकॉट। आज हम लोग हैं एपकॉट में। और मैजिक किंगडम याद है ना, मैंने पहले वीडियोज में आपको दिखाया है, किसी दिन बाकी के पार्क्स में भी लेके चलूंगी। धीरे धीरे मैं आपको पूरा डिज्नी घुमाने वाली हूँ। और आज हम लोग करने वाले एक बड़ी वर्ल्ड फेमस राइड, सोरेन, जो कि जो भी यहाँ आता है और कोई राइड करे ना करे, आपको उस राइड के लिए ज़रूर आता है। कुछ कुछ अलग अलग अट्रैक्शंस आते रहते हैं। अभी फूड एंड वाइन फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। ये वाली राइड में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है कि स्टोन एज से कंप्यूटर एज तक ह्यूमंस ने कैसे अपने आप को डेवलप किया है, वो सिविलाइजेशन और अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है, तो किस तरह से हमने अपने अपने डेवलपमेंट्स किए हैं। तो वो जो जो माइलस्टोन्स है, लाइक पेपर इन्वेंशन, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी, लाइट। ये राइड भी काफ़ी स्मूथ चलती है और ऐसे ऊपर नीचे नहीं होती है, थोड़ी सी शुरू में टिल्ट होती है, उसके बाद में सीधी हो जाती है। तो यदि आपको राइड से डर लगता है या तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एकदम आराम से स्मूथ एक लेवल पे चलती है। और हाँ, ये पूरी राइड नहीं है क्योंकि काफ़ी जगह पे अंधेरा था और लाइट नहीं थी, तो मैं जो जो जगह वाली लाइट वाली जगह थी सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको पूरी राइड मत समझिएगा, वो तो बहुत लंबी है। और आपको पूरे नेपाल के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अनुराग जी, ये माइकल एंजेलो है सिस्टीन चैपल को पेंट करते हुए। मेरा फेवरेट है क्योंकि बिल्कुल लगता है तारों के नीचे ही जा रहे हैं हम। और ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इनको पढ़े बिना मत जाइएगा, पूरे क्वेश्चंस पढ़िएगा और बोरिंग समझ के स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मिलने वाला है।
जो जो ऑप्शन अभी सेलेक्ट किए मैंने, तो ये फ्यूचर दिखा रहा है। तो मैंने कंट्री साइड सेलेक्ट किया था, सिटी से बाहर का एरिया, तो वो बाइक राइडिंग, रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ घर, वो भी दिखा दिया इन लोगों ने, और कंट्री साइड में फ़ैन और सारे नेचुरल चीज़ें, वो भी दिखा दिया, फ्लावर और फूड, सो मैंने फूड डिसाइड किया था, तो वेजिटेबल्स भी दिखा दी, और वाटर रिसाइकलिंग देखिए कितने अच्छी तरीके से दिखाया है, मुझे बहुत पसंद आया कॉन्सेप्ट। इन करिए कि आपके लिविंग रूम में ही मछलियां कूद कूद के निकल रही है, मस्त। और मैंने माउंटेन सेलेक्ट किया था, तो माउंटेन भी आ गया, स्नो पड़ रही है, और अंदर बैठ के खाने पीने का मज़ा अलग ही रहता है। तो कैसा लगा आपको अपना फ्यूचर? अच्छा यूज़ किया इन्होंने भी टेक्नोलॉजी का, और बड़ा मस्त ऐप है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिनट में ही हम अभी क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तब तक वो सारा कुछ क्रिएट भी हो गया एनिमेशन। साइड से बाहर आए तो यहाँ पे मस्त माहौल बना हुआ था, वेदर क्लाउडी है तो घूमने में अच्छा लग रहा है, स्किन जल नहीं रही है, यू कैन सी द क्लाउड्स। अभी बारिश भी होने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ चिपचिपाहट तो है। ओरलैंडो में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस टाइम पे, सितंबर स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल इट्स वेरी ह्यूमिड। दिसंबर तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम हो जाता है। एंड दिस इज़ द राइड सोरेन, बहुत फेमस है, जो भी आता है इसको किए बिना नहीं जाता है। तो चलिए अंदर दिखाते हो क्या है यह। तो मैं आपको थोड़ा सा राइड के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें वर्ल्ड के सारे वंडर्स दिखाए गए हैं, और एक चेयर है, चेयर के आपको सीट बेल्ट से टाई कर देंगे और स्क्रीन पे पूरा सारे वंडर्स दिखते हैं, तो आपको लगेगा आप उसके ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हो। चेयर जो है ऐसे झूले की तरह फीलिंग आती है, थोड़ी सी ना ज़मीन से ऊपर कर देते हैं ये लोग, और फिर लगेगा लेफ्ट राइट होता है। तो यदि आप बिल्कुल ही ज़्यादा डरते हो तो फिर तो थोड़ा डर लगेगा, बट बहुत नॉर्मल सी राइड है, और सब पानी का, हवा का, ग्रास, हर चीज़ का इफ़ेक्ट पता पड़ता है, ग्रास की स्मेल आती है, हवा आती है। तो चलिए उड़ते हैं वंडर्स के ऊपर से। ये वाली राइड को भी मुझे क्लिप्स में बांटना पड़ गया, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि ना आए, म्यूज़िक भी डाउन किया, तो उतनी खूबसूरती से आपको मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट हाँ बहुत ही प्यारी राइड है, और कॉपीराइट स्ट्राइक भी इसलिए। सोरेन राइड के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करने के लिए बैठ गए, सामने डक्स थी, बड़ा मज़ा आ रहा था देख करके, लोग खा रहे थे, तो इनको भी पार्टी करनी थी, बिल्कुल पास में आ जा रही थी, हमें भी खाना दे दो।
विलन। भाई नीमो और डोरी के तो सब लोग ही फैन होते हैं, हम भी बड़े फैन हैं इनके। तो चलिए एक नई राइड पे चलते हैं और मिलते हैं नीमो और उसकी फैमिली से। देखिए कितनी अच्छी तरह से डिज्नी ने मैकेनिज्म का यूज़ किया है, बड़े आराम से व्हीलचेयर फिट हो जाती है सीट पर। Yeah, we're in a seesaw. ये वाली राइड तो बिल्कुल लग रहा है नीमो मूवी ही देख रही हूँ मैं, क्योंकि एक भी हाईलाइट इन लोगों ने छोड़ा नहीं है और छोटी छोटी डिटेल्स सब कुछ मैनेज की हुई है। और इतनी लंबी मूवी को इतने कम टाइम में दिखाया इन लोगों ने, और सिर्फ हाईलाइट। और मैं ये सोच के ताजुब कर रही हूँ कि ये सारी सीन्स मुझे याद है, मतलब वो मूवी में भी इन लोगों को भी पता है कि हाँ ये क्लिप्स जो है ये हाईलाइटेड हैं और इनको ही हमें ये राइड में डालना चाहिए। इमेजिनेशन देखिए, दिस इज़ कॉल्ड नॉट इमेजिनेशन, दिस इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स कि आदमी कितनी आगे तक की सोच सकता है। तो जिसने भी इसको डायरेक्ट किया होगा, जो भी आर्ट डायरेक्टर होगा, वो कितना आगे तक की सोचता होगा, है ना। Thank you.
नीमो और डोरी की दोस्ती की तरह हम भी पक्के दोस्त बन जाते हैं। और यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। डोरी भूल जाती है कभी कभी तो, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी वीडियोस डालना। और आप भी मत भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक शेयर एंड कॉमेंट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ फेस्टिव सीज़न के लिए बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट ईयर की मेरी दिवाली की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो वो वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स शेयर की थी, आपको पसंद आएगी। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और नए ब्लॉग की मैं तैयारी करती हूँ और आप फेस्टिव सीज़न की तैयारी भी चालू करिए हम मेरे साथ साथ में। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। वीडियो की जो फास्ट फॉरवर्ड वाली साउंड आ रही है ना, ऐसा लग रहा है मछली आपस में कित 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 कर रही है और जैसे मछली बाजार में पहुँच कर